Hello, Junior KG Standard. Good morning. How are you? Fine. चलो आज हम वापस मिले, ऐसे ही डेली हम मिलते हैं और आप होमवर्क करते हो और मुझे देखते हो ना, देख देख के ही होमवर्क करना है और सीखना है। ओके बेटा, चलो अब हमने आज तक क्या सीखा था, क्या सीख रहे हैं, हम एबीसीडी सीख रहे हैं। तो आज के दिन में ना आपको एबीसीडी सिखाऊंगी, फिर कल दूसरा पूछ लूंगी। ओके, इसलिए आपको कुछ चेंज लगे। तो अब तक हमने क्या सीखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक सीखा है, कैपिटल स्मॉल दोनों साथ में लिटल सीख रहे हैं। तो आज क्यू सीखेंगे, फिर कल कुछ रैंक्स लूंगी या ईवीएस लूंगी। ओके, आज के दिन में ये क्यू ले लेती हूँ, राइट। तो आज हम क्यू सीखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रेयर करोगे ना क्लास में आए हो तो। आपको ऐसा ही करना है, घर पे हो तो क्लास में ही आए हो ऐसे समझ कर ही बैठ जाना है और अपनी मम्मी को मैम समझना है, राइट। आपके पहले तो आपको लाफिंग आएगी कि मैम क्यों ऐसे बोल रहे, क्योंकि अभी तो आपकी मम्मी ही आपकी मैम है, तो वो जैसे कहे वैसे करना है और मेरा वीडियो भी देखना है। ओके, तो चलो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो चलो जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। चलो गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। चलो रेडी ना आप सब क्यू सीखने के लिए, तो चलो लुक एट द वन एवरीवन। देखो ये है कैपिटल क्यू और ये है स्मॉल यू। ये दोनों यू में क्या डिफरेंट है आपको डेली तो वो देखना ही है। पहले तो ये कौन से इसका फॉर्मेशन देखना है, राइट। तो इसका फॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट दो बॉक्स में ये क्यू आया कैपिटल वाला, राइट, और जो स्मॉल है वो लास्ट दो में आया ना। तो फॉर्मेशन देखा ना आपने, वो तो फॉर्मेशन ही माइंड में रखना है, तभी तो आपको पता चलेगा। ओके, तो अभी आपको सीखना है, मैं आपको सिखा दी हूँ ये कैसे करते हैं, क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, थ्री लाइन की बुक है ना, उसमें हम कहाँ पे पेंसिल रखेंगे, अब यहाँ पे रखना है सेंटर पॉइंट पे रखनी है, राइट। तो यहाँ पे हमको सर्कल बनाना है ऐसे, देखो तो है ना, क्योंकि ना ना छोटे बड़े हो गए इसलिए। देखो यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखा आपने, तो आपको यहाँ से हाफ सर्कल करना है, फिर वापस हाफ सर्कल करके अंदर से बाहर निकालना है। ये क्यों हो गया, क्या यहाँ से किया सर्कल बनाना है ऐसे, धीरे 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 सर्कल बनाया, फिर वापस वही नीचे आना है, फिर अंदर से कव करके बाहर निकाल के बीच वाले बॉक्स में ही छोड़ देना, नीचे वाले बॉक्स में ही आने देना है, राइट। तो ये क्या है हमारा कैपिटल क्यू। ओके, अब ये नेक्स्ट बार सिखाऊं, जो छोटे नहीं खाती हूँ, जो बड़ा हो जाता है ना, इसलिए छोटे नहीं खाती। चलो आपने यहाँ से लिया ऐसे किया, फिर वापस वहीं पे आए और अंदर से कौ करके निकाल दिया, ये हो गया हमारा क्यू। चलो सेंटर पॉइंट से सर्कल किया, फिर बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये है हमारा क्यू, क्या है कैपिटल क्यू। फिर स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू में भी यहाँ पे रखना है पॉइंट, उसमें ऐसे किया टर्निंग लाइन, फिर कव किया, फिर टर्निंग लाइन करके कव करके छोड़ देना, ये हो गया हमारा स्मॉल क्यू। अभी अगेन एक बार दिखाती हूँ, देखो यहाँ से दिख रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या कर रहे, हाफ कव फिर टर्निंग लाइन फिर कव करके छोड़ देना है। देखो यहाँ से हाफ कव स्टैंडिंग लाइन कव करके छोड़ दे रहे हैं, हाफ कव स्टैंडिंग लाइन और कव करो तो स्लैंट लाइन। ओके,
ये क्या है हमारा स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो दोनों क्यू को क्या होता है, तो क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क, क्यू फॉर व्हील, क्यू फॉर पिन भी होता है, क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखा है आपने, जब आप बड़े होंगे ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन मार्क यानी कि हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी को पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर नेम, तो उसके आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क है ना, उसके पीछे देखो व्हाट योर नेम, तो इसमें आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है, तो क्वेश्चन किया, तो इसलिए उसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क, क्यू फॉर क्वीन एक प्रकार का बर्ड होता है, और क्यू फॉर क्वीन, क्वीन यानी कि रानी, रानी होती है ना वो, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क, क्यू फॉर क्वीन और क्यू फॉर क्यू, क्यू यानी कि जब हम स्कूल में आते हैं तो एक साथ लाइन में चलते हैं, वो क्यू बोलते हैं उसको, क्यू फॉर क्यू। तो ये क्या था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो अब मैं आपको बुक में सिखाती हूँ कि वो बुक में आपको कैसे करना है, ऐसे डेली करते हैं वैसे। देखो ये क्यू है, तो अब मैं इसमें सब में दिया है पॉइंट, तो आपको यहाँ से सर्कल किया ऐसे, फिर वापस सर्कल करके वहां पे नीचे आए, फिर वहां से कव करके ऐसे छोड़ देना है। ये हो गया हमारा क्यू, कैपिटल क्यू। तो आपको इस हिसाब से करना है, ओके। तो ये है हमारा क्या, क्यू, क्यू फॉर क्वील और क्यू फॉर क्वीन, ये किया। फिर ये तीन होमवर्क है आज का, ओके, आज का होमवर्क ये तीन है। फिर ये स्मॉल की, क्यू फॉर क्यू और क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो देखो यहाँ इसने ऐसे किया, पर अब यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, सर्कल स्टैंडिंग लाइन फिर स्लैंट लाइन, सर्कल स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन, ऐसे भी कर सकते हो, और हाफ कर्व मैंने सिखाते वैसे भी हाफ कर्व, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन ऐसे भी कर सकते हो, ओके, और सर्कल करके भी स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन ऐसे करना है। और ये तीन है वो होमवर्क है आज का, ओके, 15 डेट का होमवर्क है क्यू। फिर अब गया 3 पेज, कलर द क्विल, तो क्विल का कलर कैसा होता है वो उसमें आपको कलर करना है। और सेकंड क्वेश्चन, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ईच पिक्चर, तो आपको ये पिक्चर का नाम क्या है, तो उसके जो नाम के जो स्पेलिंग से वो स्टार्ट होता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दी है, देखो NOPQSN दिए है, लेटर दिए, तो आपको ये नेट है, तो नेट कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है, N फॉर नेट होता है ना, तो यहाँ N पे आपको सर्कल करना है। इस हिसाब से यहाँ क्या है, इंजन है ना, तो आपको क्या करना है, P फॉर इंजन पे करना है सर्कल, राइट। फिर ये क्या है, ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस किससे होता है, N फॉर ऑक्टोपस होता है, होता है नहीं होता है ना, तो O फॉर होता है, यस O फॉर, तो ये O पे सर्कल करना है। यहाँ क्विल पिच्छू या कि क्यू फॉर क्विल, तो यहाँ N फॉर क्या होता है, क्यू फॉर होता है, तो क्यू होता है, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन टू करना है। फिर क्वेश्चन थ्री, क्रॉस द वर्ड विच डज नॉट स्टार्ट विथ क्यू, तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, डज नॉट स्टार्ट विथ क्यू, क्यू नहीं साथ है, जे स्पेलिंग नहीं स्टार्ट नहीं हुआ ना उसको आपको क्रॉस करना है उस पर। तो देखो यहाँ पी ए डबल आर ओ टी, तो ये क्यू से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस की निशान है, ये क्यू यू आई एल टी क्विल, ये क्यू से हुआ है, हाँ हुआ है, तो ये राइट, ये क्यू यू ए आई एल, तो ये क्यू से स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है, तो ये दोनों तो क्यू से ही हुआ, ये नहीं हुआ है, तो उसको आपके इसके ऊपर क्रॉस की निशानी करनी है, ओके। तो ये क्या था हमारा आज का लेटर क्यू, ओके बच्चों, आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ओके, कल मैं ये सिखाऊंगी, आज के दिन इतना ही, बाय बाय।